हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड्स 2018 के बारे में यहाँ पे संक्षिप्त डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स दिए गए हैं विभिन्न कैटेगरीज में, उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल अवार्ड्स हों या आईफा अवार्ड्स हों या फिल्म फेयर अवार्ड्स हों, मैं केवल उन्हीं फैक्ट्स को वीडियो में इंक्लूड करता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, साथ में स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर इन्हीं कैटेगरीज से जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं कैटेगरीज से बनते हैं कि इस कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला। तो इसमें देखिए काफ़ी कैटेगरीज होते हैं, स्क्रीन प्ले होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन होता है, इसके साथ साथ अन्य कई कैटेगरियाँ होते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। तो इन पे महत्वपूर्ण ऐसा कोई भाग नहीं होता, और जो फैक्ट होते हैं वो मेनली पूछे जाते हैं, बेस्ट एक्टर कौन था, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, बेस्ट फिल्म कौन सी थी। तो ये सभी चीज़ें मिलेंगी इस वीडियो में आज आपको, ठीक है। और ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे और जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, वहाँ पे पूछा जाता है इससे। एक क्वेश्चन तो आने की संभावना रहती है हमेशा, अगर रिसेंटली इसके आसपास कोई एग्जाम हो तो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार दिए गए, किसे दिए गए वो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड्स जो 2018 के थे, देखिए आईफा अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2000 में हुई थी, ठीक है। तो 2018 के जो अवार्ड थे ये 19वें आईफा अवार्ड्स थे, ठीक है। इसका जो वेन्यू था जहाँ पे ये आयोजित किया गया था अवार्ड फंक्शन, वो बैंकॉक में किया गया था, थाईलैंड, थाईलैंड में है बैंकॉक, यहाँ पे एक थिएटर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इन पुरस्कारों की घोषणा हुई 24 जून को, 24 जून 2018 को, ठीक है। अब जल्दी जल्दी देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से अवार्ड डिवाइड किए गए। सबसे पहले देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो बेस्ट जो मूवी का अवार्ड गया या बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया वो तुम्हारी सुलु नामक मूवी को गया, ठीक है। मैं बात करूँ बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड गया वो गया साकेत चौधरी को, उनकी फिल्म जो उन्होंने निर्देशित की थी हिंदी मीडियम, ठीक है, इसके लिए ना बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट देखिए बेस्ट एक्टर, तो कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है वो जीता आईफा अवार्ड का इरफान खान ने, ठीक है। और इन्हें ये पुरस्कार मिला गया हिंदी मीडियम मूवी में जो मुख्य रोल है उसको अदा करने के लिए। अगला है, अगला कैटेगरी बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब मिला वो श्रीदेवी को दिया गया मॉम फिल्म में अभिनय करने के लिए। तो श्रीदेवी जिनका कुछ माह पूर्व निधन हो गया था दुबई में, तो उनको एक हिसाब से मरणोपरांत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है मॉम मूवी के लिए। तो काफ़ी सराहनीय एक्टिंग उन्होंने की होगी, इसलिए जूरी ने उन्हें ये अवार्ड देने की घोषणा की। अगला देखिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा की मैं बात करूँ, कहने का मतलब जो राइटिंग होती है सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले बोल सकते हैं हमको, तो ये मिला है अवार्ड न्यूटन फिल्म को। तो न्यूटन फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी मानी गई जूरी के अकॉर्डिंग, और न्यूटन फिल्म आपको पता है नॉमिनेट हुई थी किसके लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी फिल्म 2017 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट की गई थी भारत की तरफ से, ये न्यूटन मूवी थी, ठीक है, जिसमें मुख्य रोल अदा किया था राजकुमार राव ने, जिसमें दिखाया गया था कि नक्सलिज्म एरिया में जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसी होती है, फेयर पॉलिसी है नहीं है, कैसी चीज़ें वहाँ पर घटित होती हैं, सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है, इस बेस पे ये स्टोरी बनी थी। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर, तो 500 गायक होता है प्लेबैक सिंगर, तो सर्वश्रेष्ठ मिला है। मेल में मैं अगर बात करूं तो अरिजीत सिंह ने जीता है, अरिजीत सिंह आज की डेट के सबसे फेमस सिंगर हैं, आप सभी जानते हैं। और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में मेघना मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया जो अंतिम महत्वपूर्ण अवार्ड है इस आईफा अवार्ड का, होते तो कई है, मैंने आपको बताया अभी बेस्ट जो मैंने आपको बताया कॉस्ट्यूम डिजाइन का हो गया, और सहायक जो अभिनेता का होता है, सहायक अभिनेत्री होती है, सभी चीज़ों के काफ़ी, अगर मैं लंबा वीडियो बनाऊँ तो काफ़ी उसमें अवार्ड रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण हैं, तो उतने ही यहाँ पे इंक्लूड किए गए। तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया आईफा अवार्ड में अनुपम खेर को, क्योंकि उनका विशिष्ट योगदान रहा है बॉलीवुड में, इस वजह से उन्हें दिया गया आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे देखिए आईफा अवार्ड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण ही इसमें पुरस्कार को इंक्लूड किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, करंट अफेयर वाले पे भी फोकस कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।